नमस्कार, सच कहूं बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। नजर पाउने आ पंजाब सूबे समेत दुनिया भर दीआं वड्डीआं खबरां ते। करोना दे दैनिक मामलिआं विच आई वड्डी गिरावट, पिछले 24 घंटिआं विच रिपोर्ट च आए 24,010 नवे मामले। अंदोलन दे 22वें दिन भी दिल्ली च किसानां दा जोश बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा असीं किसानां दे विरुद्ध प्रदर्शन ते नागरिकता दे बुनियादी अधिकार तय करांगे। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट दी वैबसाइट हुई हैक, साइबर क्राइम सैल विच शिकायत दर्ज। दिल्ली च दो दिन शीत लहर की संभावना, पवेगी कड़ाके की ठंड। मध्य प्रदेश में वड्डे पैमाने ते IAS IPS अफसर ते गिरेगी गाज, कमलनाथ के करीबी रहेंगे निशाने ते। किसान अंदोलन दरमियान भलके दोपहर 2 बजे किसानों नूं संबोधित करनगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। संसद का सर्दरुत सैशन नहीं चलाउण ते भड़की प्रियंका गांधी। दिल्ली गए किसानों दीआं बीबीआं ने संभालिया घर ते खेत च मोर्चा, कहा दिल्ली फतेह करके ही मुड़ना। किसानी अंदोलन दिल्ली च शामिल होने जा रहे होशियारपुर के किसान की रोड एक्सीडेंट च मौत। किसान अंदोलन सिंधु बॉर्डर से बाबा राम सिंह ने गोली मार के इत्ती खुदकुशी, सुसाइड नोट विच लिखा जुल्म के खिलाफ आवाज़। पंजाब विच 3 SP 2 DSP 925 पुलिस मुलाजमान से अधिकारियों विरुद्ध केस दर्ज। हरियाणा विच मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, 5 दिन चलेगी शीतलहर, गाढ़ी धुंद नाल दूरदर्शता रहेगी 50 मीटर। हरियाणा विच इंटरनेशनल सूरजकुंड मेले का नहीं होएगा आयोजन, 35 साल विच पहली बार होया ऐसा, विदेशी भी बनते सी हिस्सा। फिलहाल इस बुलेटिन च इतना ही, ज्यादा खबरां वेखन लई तुसी देखदे रहो सच कहूं। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।